लखनऊ के कुछ रेस्टोरेंट में फूड एटीएम लगाकर भूखों को खाना खिलाने की एक नई पहल की है। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट के बाहर लगे फूड एटीएम में कोई भी व्यक्ति साफ सुथरा खाना भी रख सकता है, जो भूखों के लिए एक सहारा बनेगा। देखते हैं एक रिपोर्ट। जरूरतमंदों को अब रोज फ्री में मिलेगा खाना। नवाबों के शहर लखनऊ के गोमती नगर और महानगर इलाके में रिट्स रेस्टोरेंट के बाहर फूड एटीएम लगाया गया है। इस एटीएम से कोई भी फ्री में खाना ले सकेगा और कोई भी यहां खाना दे भी सकेगा। शहर के कुछ उद्यमियों की संस्था राउंड टेबल इंडिया की ओर से बचे खाने को फेंकने के बजाय जरूरतमंदों को देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। पिछले कुछ समय से ट्रायल के तौर पर गोमती नगर के रिट्स रेस्टोरेंट में चल रहे ऐसे ही फूड एटीएम से रोजाना 30 से 40 लोग अपनी भूख मिटा रहे हैं। संस्था की योजना अगले एक महीने में 15 और ऐसे फूड एटीएम शुरू करने की है। बहुत फूड बचता है और बहुत फूड वेस्ट होता है, तो दैट्स व्हेन हमारे दिमाग में आया कि हम क्या कर लें कि जरूरतमंद तक ये खाना पहुंचे, क्योंकि बहुत हमारे देश में ऐसी जनता है जिन तक खाना ही नहीं मिलता है। तो हमारे मन में आया कि ये नेशनल लेडीज सर्कल का नेशनल इनिशिएटिव भी है, तो इसी के अंदर हमने ये फ्रिज इंस्टॉल करने की भावना आई। हम लोग ने एक इनिशिएटिव लेडीज सर्कल के साथ मिलकर ये शुरू किया है गोमती नगर रिट्स के सामने। रिट्स में हम लोग ने पार्टनर किया है, जिसके साथ हमारा जो खाना यहाँ पे बचता है उसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। फीडिंग लखनऊ कैंपेन चला रहे राउंड टेबल इंडिया के टीम के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि कई बार बड़े आयोजनों में बचे खाने की बर्बादी को देखकर कुछ नया करने की ठानी और इस तरह फीडिंग लखनऊ कैंपेन की शुरुआत हुई। संस्था ने रिट्स रेस्टोरेंट के प्रबंधन से इस बारे में बात की तो प्रबंधन ने संस्था के प्रस्ताव को हाथों हाथ लिया और समाज के उन लोगों के लिए मुहिम में अपना सहयोग दिया जिन्हें 2 जून की रोटी मयसर नहीं होती। इसमें जो हमारा बचा हुआ कंपनी का खाना होता है, हमारी रिट्स कंपनी ने ये जगह इनको दी हुई है फ्री रेफ्रिजरेटर रखने की, प्लस इलेक्ट्रिसिटी हमारी रिट्स कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराती है, और जो भी हमारा रेस्टोरेंट का फूड जो बच जाता है वो हम यूटिलाइज हो जाए और गरीबों को आसानी से मिल सके। गोमती नगर और महानगर स्थित रेस्टोरेंट पर ट्रायल के तौर पर फूड एटीएम लगाया गया था। यहाँ ट्रांसपेरेंट फ्रीजर में रेस्तरां का बचा खाना पैक करके रखा गया। इस मुहिम को शुरू हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इसके परिणाम अच्छे आने लगे हैं। होटल के बाहर लगे इस फूड एटीएम पर खाना देने वालों और यहाँ के खाने से अपना पेट भरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। अब ऐसे ही और फूड एटीएम शहर के दूसरे रेस्तरां में लगाने की योजना है। नवाबों का शहर कहे जाने वाले लखनऊ ने सही मायनों में अपनी उदारता का एक और उदाहरण पेश कर लोगों को अपना मुरीद बना लिया है। गुड न्यूज इंडिया के लिए लखनऊ से उमाशंकर दुबे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।